हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा हमीरपुर के नादौन चौक पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों व राहगीरों ने भोजन ग्रहण किया। भंडारे के दौरान जहां लोगों ने भोजन ग्रहण किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को उनके 70वें जन्म दिवस की बधाई भी दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि आज हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और अनिल सोनी द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भोजन ग्रहण किया, जिसके लिए बलदेव शर्मा ने अनिल सोनी को बधाई दी है। वह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता व हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को उनके 70वें जन्म दिवस की बधाई भी दी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे विश्व नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी का आज जन्मदिन है। पूरे प्रदेश में पूरे गर्म जोशी से धूमल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और ऐसे कार्यकर्ता जो धूमल जी से बहुत लगाव, धूमल जी से बहुत प्यार करते हैं, कई लोगों ने, नौजवानों ने अभी ब्लड डोनेशन किया, रक्तदान दिया धूमल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और अनिल सोनी जी ने जो यहाँ पर भंडारा लगाया हुआ है, आप देखिए कि बाहर हजारों लोगों ने लाइन में खड़े हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से आज प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है और सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वैसे संपत्ति कार्यकर्ता अनिल सोनी जैसे कार्यकर्ता जो हर साल धूमल जी के जन्मदिन पर लोगों को भंडारा लगाकर खाना खाते हैं, मैं ऐसे कार्यकर्ता को जाना धन्यवाद करता हूं और बहुत बड़ी ज़्यादा बधाई भी देता हूं और आशा करता हूं कि धूमल जी जो का जन्मदिन है फिर जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और हिमाचल की जनता की इसी तरह धूमल जी सेवा करते रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और आने वाले समय में भी धूमल जी सेवा इसी तरह करते रहेंगे। धन्यवाद।